प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रदर्शन किया। उनको योगीराज भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि योगियों के सर्वश्रेष्ठ योगीराज भगवान श्री कृष्ण है। अब उन्होंने योग का कब प्रदर्शन किया, तो जिस समय परीक्षित उत्तरा के गर्भ में मर गया था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जीवित को सबको मार दिया, और बाद में गर्भ में जो अंतिम पांडवों का चिन्ह बचा था उत्तरा के गर्भ में पुण्य का बच्चा, उसको भी जब गर्भ में मार दिया, तब पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज अब हमने क्यों लड़ाई लड़ी, तो उनका रुको। तब श्री कृष्ण भगवान का यद्य हम योगेश्वर है, यदि मैं योगेश्वर हूं तो उत्तरा का मृत पुत्र जिंदा हो गया, और उनके ये करने के बाद में वो लड़का जीवित हो गया। और वो जीवित हो गया इसलिए उसकी परीक्षा हो गई, और परीक्षा हो गई तो उसका नाम परीक्षित हो गया, और वो कलयुग का सबसे पहला शासक था। लेकिन इस योग को
दिशा में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। विश्व में भारत की देन है। आचार्य रजनीश को पूछा कि भारत के 10 बड़े लोगों के नाम बताओ, उन्होंने बताए, फिर उन्होंने कहा 5 के बताओ, तो 5 के बताए तो उनमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, पतंजलि, पाणिनि और गोरक्षनाथ जी, इन 5 लोगों के नाम बताए। पतंजलि वो नाम है जिन्होंने इसके सूत्र लिखे हैं, और गोरक्षनाथ वो नाम है जिसने आधुनिक युग में हठ योग की स्थापना की है, और भगवान श्री कृष्ण योगीराज के रूप में हैं और व्याकरण के रूप में पाणिनि। तो इस प्रकार से भारत की ये 5 देन हैं। रामदेव जी महाराज ने इसको सर्वव्यापी बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न करके इसको विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित किया, और आज 4th योग दिवस है। साथ ही हमने राजस्थान की विधानसभा में इसके पहले भी श्रीमान रामदेव जी को बुलाकर सभी माननीय सदस्यों के द्वारा योग का अभ्यास कराया गया था। आज माननीय अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस प्रकार से विधानसभा में के द्वारा भी योग की प्रतिष्ठा की गई। वैसे बार आमंत्रित किया गया था अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन दोनों ही योग के कार्यक्रम में यहाँ पर, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अखबारों में पढ़ा आमंत्रित किया गया था, अखबार में पढ़ा कि नहीं है, मेरी इस विषय में जानकारी नहीं। आज योग शामिल नहीं हुए कारण? मैं तो सुबह प्रातःकाल योग करता हूँ, अर्पणा योग करके आया था, और फिर मैं अल्पाहार करके आया था, इसलिए अल्पाहार करने के बाद में दोबारा योग नहीं करना चाहिए। एक दो दिन में बताऊंगा। नहीं, लेकिन प्रांतीय सम्मेलन तो होने वाला है जुलाई के पहले सप्ताह में, लेकिन मैं बताऊंगा एक दो दिन। इलेक्शन कमीशन से हो गया। भारत के प्रयत्नों से अंतर्राष्ट्रीय जगत में 4 साल पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमारे पौराणिक ज्ञान की विश्व को मान्यता मिली, और उस नाते आज सारे देश में योग शिविर लग रहे हैं। उसी क्रम में विधानसभा में भी हमने योग शिविर का जो है संचालन किया है, चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के योग शिविर से हमारे भागी जो है या सहभागी ये लाभान्वित होंगे, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को स्वस्थ सुखी रखेंगे, अपने मानसिक और दिल की जो वो है उन सब को संतुलित रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर पहले अपने अपने क्षेत्र में जगह जगह कर रहे हैं, हाँ, तो जो यहाँ है जो है बाकी तो सर्वत्र, आज ये सर्वत्र विधानसभा क्षेत्रों में भी है, सर्वत्र कई जगह है, और जहाँ जिसको सुविधा मिली वो वह भागीदार बना इस कार्यक्रम में। और यहाँ भी जो है MLS के हिसाब से नहीं था, ये हमारे
विधानसभा के सचिवालय के कर्मचारियों की प्राथमिकता के आधार पर जो है संचालन किया गया। अध्यक्ष जी चल रहा है विश्व योग दिवस से राजस्थान में भी योग चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही हठ योग भी चल रहा है प्रदेश और केंद्र के नेताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष मसले पर। ये समाज की विभिन्न प्रकृतियां हैं जिसमें हठ योग भी है, कई तरह की योग है, ये तो चलते रहेंगे, इनका समन्वय भी होता रहेगा, इसमें विच्छेद भी आता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हठ योग दूर होकर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, ये इस बारे में ये विषय आज का नहीं, आज योग दिवस है और उसमें राजनीतिक चर्चा नहीं। आप पार्टी के सीनियर लीडर नहीं हूँ, मैं इस समय मैं स्पीकर हूँ, इस समय पार्टी से ऊपर हूँ। पार्टी से ऊपर हूँ बिल्कुल होगा। 22 सर्वोच्च हो, 22 जनवरी 2014 को भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया गया, जिस रोज मैं स्पीकर बना, तब से मैं पार्टियों के इस से बहुत एबव अपने आप को मानता हूँ और कोशिश की है कि निष्पक्ष रूप से एबव रहकर मैं काम करूँ। मानता हूँ नहीं हो ठीक।